बात जब सी क्रीचर्स की आती है तो हमारे दिमाग में हमेशा शार्क, पफर फिश और बॉक्स जेलीफिश जैसे खतरनाक और जानलेवा जीवों का ही विचार आता है। लेकिन दोस्तों, समुद्र की गहराइयों या फिर सतह पर कई ऐसे सी क्रीचर्स पाए जाते हैं जिनका नेचर ह्यूमन से काफी फ्रेंडली होता है। ये आपके साथ भी खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं और यहाँ तक कि आपसे प्यार भी जताते हैं। ये सी क्रीचर्स इतने मिलनसार होते हैं कि अगर आप कुछ समय इनके साथ बिता लें तो फिर आप इन्हें अपने परिवार का हिस्सा समझने लगेंगे। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 सी क्रीचर्स के बारे में बताने वाले हैं जिनका दोस्ताना अंदाज आपके दिल को छू लेगा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। मांटा रेज। मांटा रेज को समुद्र के शांत परिवार का हिस्सा कहना गलत नहीं होगा। हालांकि ये रेज फैमिली का ही हिस्सा होती हैं और समुद्र में मौजूद कुछ डेंजर रेज आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं और शायद इसीलिए लोग इन्हें अन्य रे फैमिली की तरह ही घातक समझते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मांटा रेज इन सबसे विपरीत शांत, सुंदर और अविश्वसनीय होती हैं। बहुत ही खूबसूरत से दिखने वाली यह रेज अपने शांत स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। यहाँ तक कि मांटा रेज ह्यूमंस के साथ समय बिताना पसंद करती है। इंसानों के साथ मस्ती करते हुए इनके कई वीडियोज रिकॉर्ड हुए हैं जो इंटरनेट पर भी अपलोड किए जा चुके हैं। इनके इसी शांत स्वभाव के कारण इन्हें सी एंजल्स भी कहा जाता है। ये रेज आपसे दोस्ती करके अपना पूरा समय आपके साथ बिता सकती हैं। बॉटलनोज डॉल्फिन्स। दोस्तों, बॉटलनोज डॉल्फिन समुद्री डॉल्फिन्स में सबसे पसंदीदा डॉल्फिन है। इन डॉल्फिन्स को उनकी बुद्धिमता और आकर्षक करिश्मों के लिए जाना जाता है। यह निश्चित रूप से अविश्वसनीय है और ह्यूमंस के लिए अनुकूल भी। अगर सार निकाला जाए तो जिस तरह हमें ये प्यार करती हैं, हमें भी इन डॉल्फिन्स को उसी तरह प्यार करना चाहिए। दुनिया में सैकड़ों ऐसी जगहें हैं जहां पर आप डॉल्फिन्स के साथ तैरने का मजा ले सकते हैं। ये डॉल्फिन्स काफी शांत और मिलनसार होती हैं। इनके फेस का शेप कुदरत के द्वारा कुछ इस तरह डिजाइन की गई है कि ये डॉल्फिन्स आपको हमेशा हंसती हुई नजर आएगी। यही वजह है कि इंसान इससे जल्दी ही फैमिलियर हो जाते हैं। इनकी सुंदरता, पीसफुलनेस और इंटेलिजेंस की वजह से इन्हें समुद्र के सबसे लविंग क्रिएचर्स में से एक माना जाता है। ये आपसे इतना अटैच हो जाते हैं कि हो सकता है कि ये आपको गले भी लगा ले। हैमरहेड शार्क। ओके, माना हैमरहेड शार्क ह्यूमंस के लिए थोड़ा एग्रेसिव भी होती हैं, लेकिन तभी तक जब तक इसे कोई ज्यादा परेशान ना करे। ये शार्क हर वक्त आपके लिए घातक नहीं होती। वास्तविकता में हैमरहेड शार्क के हमले इंसानों पर बहुत रेयर केस में होते हैं। आपको बता दें कि हैमरहेड शार्क की कुल 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें से केवल 3 ही प्रजातियां ऐसी हैं जो इंसानों पर हमला करती हैं। ये सभी शार्क शांतिप्रिय होती हैं। समुद्री गोताखोरों को कई बार इन हैमरहेड शार्क के साथ दोस्ताना अंदाज में देखा गया है। यही वजह है कि हैमरहेड शार्क की बहुत सी जानकारी हमारे पास आज मौजूद है। हालांकि फिर भी एक ट्रेंड गोताखोर को ही इनके पास जाना चाहिए। ये होती तो काफी शांत है, लेकिन गुस्सा आने पर या इनको ज्यादा सताए जाने पर ये आप पर हमला भी कर सकती है। सी टर्टल्स। दोस्तों, दुनिया भर में समुद्री कछुए न केवल अपनी सुंदरता बल्कि शांत स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। समुद्री कछुए के साथ स्विमिंग करना दुनिया भर में लोकप्रिय है। यह एक ऐसा एहसास है जो जीवन भर आपके साथ सुनहरी यादों के रूप में रहता है। सी टर्टल को देखना और उनके साथ मस्ती करना पर्यटकों की पहली पसंद होती है। लोग हमेशा से ही ऐसे समुद्री जीवों के साथ तैरना चाहते हैं जो क्वाइट, फ्रेंडली और ब्यूटीफुल हो। सी टर्टल इन्हीं जीवों में से एक है। यह प्यारा होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी है। सी टर्टल आपके साथ एक फ्रेंड की तरह व्यवहार करते हैं। इंसानों के साथ इनका पीसफुली और फ्रेंडली बिहेवियर इन्हें यूनिक सी क्रिएचर बनाता है। कैरेबियन रीफ ऑक्टोपस। लोग वेल्स की तरह ही कैरेबियन रीफ ऑक्टोपस को ही हमेशा गलत समझते आए हैं। इन ऑक्टोपस को काफी एग्रेसिव और घातक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कैरेबियन रीफ ऑक्टोपस इंसानों के प्रति काइंड और पीसफुल होते हैं। यह ऑक्टोपस की एक इको फ्रेंडली स्पीशीज है जो खुद को नेचर के अनुकूल बना लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इंसान हमेशा इनका शिकार करते आए हैं। कैरेबियन रीफ ऑक्टोपस को एक पालतू पेट के रूप में भी देखा जाता है, जिसकी वजह इनका दोस्ताना स्वभाव ही है। इन्हें आइडियल पेट भी कहा जाता है। अब मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आपके पालतू पेट डॉग्स इनसे अच्छे नहीं हैं। इनका स्वभाव थोड़ा शर्मीला सा होता है और ये जल्दी आपके साथ घुल मिल जाते हैं। पिंक अमेज़न रिवर डॉल्फिन। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल ही गया होगा, यह डॉल्फिन्स की एक प्रजाति है जो अमेज़न नदी में पाई जाती है। वैसे इन्हें ह्यूमंस के साथ एडजस्ट होने में कुछ समय लगता है, लेकिन एक बार जब ये डॉल्फिन्स इंसानों के साथ फ्रेंडली हो जाती हैं, तो फिर इनका स्वभाव इतना प्यारा होता है कि आप इनके प्यार में पड़कर पागल भी हो सकते हैं। ये आपसे इतनी फ्रेंडली हो जाती हैं जितनी आपने उम्मीद भी नहीं की होती। हालांकि समुद्र में ज्यादा गहराई में पाए जाने की वजह से ये डॉल्फिन्स ज्यादा फेमस तो नहीं है, लेकिन इनका शांत स्वभाव और दोस्ताना अंदाज
बाद इन्हें स्पेशल बनाता है। इनकी ईमानदारी देखकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन इंसानों ने इस प्यारी सी डॉल्फिन्स को भी कहां छोड़ा है। आपको बता दूं कि निरंतर शिकार की वजह से इन स्पीशीज पर अब खतरा मंडरा रहा है। ये विलुप्त होने की कगार पर हैं। थैंकफुल कि ब्राजील इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट ने अब इन डॉल्फिन्स के शिकार पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। अब आप इनके साथ खेल सकते हैं, इन्हें प्यार कर सकते हैं, लेकिन इनका शिकार नहीं कर सकते। जिस तरह ये डॉल्फिन्स आपको अपना फ्रेंड समझती हैं, उसी तरह आपको भी इन्हें अपना फ्रेंड समझना होगा। बेलुगा व्हेल। दोस्तों, आज तक आपके मन में कभी भी किसी व्हेल को पालने का विचार नहीं आया होगा, ना ही आप और हम किसी व्हेल की तलाश में बाहर जाते हैं। लेकिन बेलुगा व्हेल अपने आप में एक अनूठी सी क्रिएचर है, जिसे देखने के बाद उसे आप घर लाना चाहेंगे। अन्य सभी व्हेल्स की तरह ये भी छोटे मोटे जलीय जीव खाती है और खाली समय में अपने जैसे ही व्हेल्स के साथ झुंड में समय बिताना पसंद करती है। ये व्हेल शांत और मिलनसार होती है और इंसानों के साथ खेलना पसंद करती है। बेलुगा व्हेल को सबसे शांतिपूर्ण और सबसे कम आक्रामक प्रजातियों में से एक जाता है। और गाइस, ये व्हेल्स अजीब अजीब चेहरे बनाती है और यहाँ तक कि आपके किस करने पर या आपको दोबारा किस भी करती है। मैनेटी। दोस्तों, मैनेटी को समुद्री गाय भी कहा जाता है। समुद्री गाय वर्ड सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन ये एक कॉम्प्लीमेंट है जो मैनेटी को उसके शांत स्वभाव की वजह से दिया गया है। एक गाय की तरह मैनेटी शांत और मिलनसार होती है। ये अधिकांश समय तैरने में ही बिताती है और समुद्री घास खाती है। अपनी अच्छी हेल्थ के लिए मैनेटी किसी भी जीवित प्राणी को नहीं खाती है। इनकी सुंदरता भी अद्भुत होती है और तैराकों को इनसे कोई खतरा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी इनके पेट को सहला दें तो ये आपके संपर्क में आने लगेगी और नजदीकियां बढ़ाने लगेगी। इनका यही व्यवहार इन्हें पानी में सबसे मिलनसार जानवरों में से एक बनाता है। दुनिया भर के लोग मैनेटी के साथ स्विमिंग करना और उनके साथ खेलना पसंद करते हैं। सनफिश। दोस्तों, दुनिया में अजब गजब जीवों की भरमार है। अब सनफिश को ही ले लीजिए, इसके कारनामे जानेंगे तो आप भी हैरानी से भर उठेंगे। दोस्तों, धूप की रोशनी केवल हमें ही अच्छी नहीं लगती, बल्कि समुद्र की गहराई में 600 मीटर नीचे एक गोते लगाने वाली मछली सनफिश को भी बहुत पसंद है। धूप में नहाने के लिए काफी देर तक सतह पर रहने की शौकीन होने के कारण इस मछली को सनफिश कहा जाता है। इस फिश को कॉमन मोला या फिर मोला मोला भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 11 फीट तक होती है और इसका औसतन वजन 247 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम के बीच होता है। धूप की चाह में जब भी फिशेज समुद्र की ऊपरी सतह पर आती हैं, तो पर्यटकों के लिए खुशी का समा बन जाता है। ये ह्यूमन से काफी फ्रेंडली होती हैं और इनका यह दोस्ताना अंदाज सबको खूब भाता है। दोस्तों, अब आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि किसी भी जीव द्वारा सबसे अधिक अंडे देने का रिकॉर्ड भी इसी मछली के नाम है। मादा सनफिश की लंबाई यूं तो औसतन 4 फीट तक होती है, लेकिन यह 30 करोड़ तक अंडे एक बार में देती है। इस मछली को समुद्र की हर बड़ी मछली तो अपना शिकार नहीं बना सकती, लेकिन सी लायन, किलर व्हेल और शार्क इसे अपना आहार बना लेती है। सी लायन। दोस्तों, हालांकि इनका नाम सी लायन है, लेकिन यह भालू के पूर्वज की प्रजाति मानी जाती है। सी लायन की दुनिया भर के समुद्र में 7 प्रजातियां पाई जाती हैं। अक्सर आप चिड़ियाघर में कैलिफोर्निया सी लायन को देखते हैं। ये दिखने में बिल्कुल सील की तरह ही दिखाई देती है, लेकिन सी लायंस और सील में मेन डिफरेंस ये है कि सी लायंस जमीन पर चलने के लिए अपने चारों फ्लिपर्स का उपयोग करते हैं, जबकि सील उछल उछल कर चलती है। इस प्राणी के मुंह में करीब 38 दांत होते हैं। सी लायन भोजन को बहुत कम चबाता है और शिकार को सीधा निगल जाता है। इनका मुख्य भोजन मछलियां हैं, जिनमें छोटे आहार की सभी मछलियां आती हैं। इन मछलियों के अलावा ऑक्टोपस जैसे प्राणी को भी ये खा जाता है। लेकिन आपको इन सबसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस के लिए ये सी लायंस कोई खतरा नहीं है। इन सी लायंस को आसानी से ट्रेनिंग दी जा सकती है, क्योंकि ये एक बुद्धिमान प्राणी है। एक बार आपसे घुल मिल जाने पर ये आपसे प्यार जताते हैं, आपके साथ खेलते हैं, यहाँ तक कि आप इनके साथ तैराकी का मजा भी ले सकते हैं। सी लायन करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी में तैर सकता है, लेकिन तभी जब इसे कोई खतरा महसूस हो या जब कोई इसे शिकार करना हो। आमतौर पर इनकी रफ्तार 18 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। सी लायन का औसतन जीवन काल 20 वर्ष का होता है। हालांकि दोस्तों, दुख की बात यह है कि समुद्री प्रदूषण और बड़े जीवों के निरंतर शिकार की वजह से अब ये प्रजाति वर्तमान में विलुप्ति की कगार पर है। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे फ्रेंडली सी क्रिएचर कौन सा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।